हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, मूवमेंट ऑफ वाटर या पार्टिकल कहाँ से किधर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर मूवमेंट हमने देखा था। तो अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो ये कितने मोड से होता है? यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के दो मेजर मोड्स के बारे में बात करेंगे, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। और क्या ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर पार्टिकल्स के मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट किस चीज के बारे में देख रहे हैं? मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होगा? मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी या रिक्वायरमेंट नहीं होगी? यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बाय दी सेल। सेल को किसी भी तरह से अपना एनर्जी खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आने जाने देने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से हमें ये साफ साफ समझ में आना चाहिए कि ये जो मूवमेंट होगा ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ होगा। जैसा हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के समय में पढ़ा था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन दो प्रोसेस के बेसिस पर या इन दो प्रोसेसेस के मदद से ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जब हम ये जान पाए हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली यहाँ पे हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो जब बेसिकली हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो टाइप के डिफ्यूजन को देख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली पार्टिकल विल डायरेक्टली मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली बिना किसी इंटरफेरेंस के मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब है किसी भी, फैसिलिटेटेड का बेसिक मीनिंग है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना। तो हमें भी कभी कभी रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ कामों में कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से हमारा काम पूरा होता है। तो यहाँ पर जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये मदद करेगा मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए इन एंड आउट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के लिए या मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एनर्जी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट या अगेंस्ट में ट्रांसफर या मूव करना होता है, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सीढ़ी, जब हम चढ़ते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सेल को क्या करना होगा, एनर्जी जनरेट करना होगा ताकि ये रिवर्स मूवमेंट क्या हो सके, अच्छे से या पॉसिबल हो सके। तो जैसे कि सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, मूवमेंट अकर्स अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पंप की जो फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट का। अब यहाँ पर ये पंप का काम कौन करता है, कैरियर प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं इस मूवमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एटीपी जो है वो एनर्जी इनपुट के रूप में काम करता है फ्रॉम सेल। और ये एनर्जी इनपुट एटीपी कहाँ से आएगा, सेल्युलर रेस्पिरेशन से ये एटीपी जनरेट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर यानी कि उसकी बनावट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। और ये स्ट्रक्चर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। व्हाट इज लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं? तो लिपिड्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन इनकी क्या एक खासियत होती है, वो वाटर में घुलते नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फंक्शंस जान लेते हैं, लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का एक मेजर पार्ट है और इसका यूटिलाइजेशन नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। लिपिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला टाइप होता है नॉन पोलर जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने का मतलब है कि किसी चीज़ से दूर भागना या किसी चीज़ को नापसंद करना। तो नॉन पोलर लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर हेटर्स होते हैं, मतलब वाटर के प्रति उनकी एफिनिटी नहीं होती, वो वाटर को पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरे तरह का जो लिपिड होता है वो पोलर लिपिड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब किसी चीज को पसंद करना। तो यहाँ पे जिस पोलर लिपिड की हम बात कर रहे हैं, ये वाटर लवर्स होते हैं, वाटर के प्रति इनकी एफिनिटी अच्छी होती है। सो दिस इज हाउ अ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ये मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए डायग्रामेटिकली कि लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिपिड का दो लेयर है, एक हो गया हमारा फर्स्ट लेयर और दूसरा हो गया हमारा सेकेंड लेयर। यहाँ पे दो लेयर होता है लिपिड का, इसीलिए इसको हम लिपिड बायलेयर भी कहते हैं। और इसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होता है। यहाँ पे प्रोटीन्स दो तरीके से एम्बेडेड होते हैं लिपिड बायलेयर में। एक होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन बोलने का मतलब है कि ये प्रेजेंट होंगे सिर्फ सरफेस में, मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट होंगे। और एक होता है हमारा इंटेग्रल प्रोटीन जो कि पार्शियली या कंप्लीटली बरीड होंगे, डूबे हुए होंगे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोफोबिक एंड्स। हाइड्रोफोबिक एंड्स बोलने का मतलब है कि दीज आर वाटर हेटर्स। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड्स है वो एक दूसरे को फेस करते हैं और जो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बाहर वाला जो लेयर है ये हो गया हमारा पोलर एंड्स जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये हमारा अंदर का लेयर जो कि नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक एंड्स है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।